दूसरा एक सवाल था कि अगर जैसे एज से पहले, मतलब मेरी एज अभी 20 ईयर्स की है, लेकिन मेरा बाल बहुत ज्यादा सफेद हो गया है, तो इस पे क्या मैं मतलब ब्लैक कलर ऐसे लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ? क्योंकि मैं सुना हूँ कि नहीं लगा सकते, तो क्या इसका हुआ? आपने बिल्कुल सही सुना है, आप अपने बाल का कलर चेंज कर सकते हैं किसी भी कलर से सिवाय काले के। काले से काला नहीं लगा सकते हैं, जैसे मेहंदी कलर होता है, अब वो मेहंदी चाहे वो क्या नाम है नेचुरल मेहंदी हो या आर्टिफिशियल, बहुत सारे केमिकल वगैरह के साथ भी मेहंदी आती है, आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि वो काला कलर ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सफेदी को बदलो वो जन्नबुस सवाद, काले से बचो। तो काला छोड़ के आप किसी भी कलर को लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज और भी ध्यान रहे कि वो कलर ऐसा नहीं होना चाहिए जो जिसमें किसी गैर कौम की मुशाबहत हो। और मैं नहीं समझता हूं कि हिंदुस्तान में कि बालों के कलर के अंदर कोई मुशाबहत है, तो आप किसी भी दूसरे कलर को लगा सकते हैं, बस काला नहीं होना चाहिए। वो लाल हो, मेहंदी कलर हो, काला मायल हो, जैसे अगर मेहंदी का कलर जब डार्क हो जाता है बहुत ज्यादा तो थोड़ा वो काला मायल हो जाता है, या कुछ इस तरह के की चीजें आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ऐसे आशाब थे जिनको लगाने से काले और लाल के दरमियान का कलर आता था, हिन्ना और कत मिलाते थे, मेहंदी और कोई और पौधा होता था दोनों को मिलाते थे तो लाल और काले के दरमियान का कलर निकलता था। तो इस तरह की कोई चीज है तो आप लगा सकते हैं, बस काला नहीं लगा सकते, खालिश काला। और शेख, और जैसे दुआए कुनूत हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें अल्लाहुम्मा दिनी फीमन हदैत वाले में लास्ट में ऐसा सल्लल्लाहु अलैहि नबी बोलते हैं, उसकी जगह दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं कि वो पढ़ना है जो छोटा सा है? देखिए दुआए कुनूत के अंदर सही बात यह है कि कुनूत के लिए कोई दुआ खास नहीं है। ये जो दुआ हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन हदैत, आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, कोई और भी दुआ पढ़ सकते हैं, साथ में आखिर में आप दरूद पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। दरूद के लिए जो भी सेगे वारिद हुए हैं किसी भी सेगे के साथ, उसके अलावा आप और भी दुआएं करना चाहते हैं वो दुआएं भी कर सकते हैं। तो कुनूत के लिए खास दुआ नहीं है, तहकीक के ही है, आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं कुनूत के अंदर। चेहरे पे हाथ फेरेंगे फिर, जैसे उसके बाद चेहरे पे हाथ जैसे नहीं नहीं फेरना है दुआ करें? नहीं ये साबित नहीं है, दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरना साबित नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया शेख शेख, भाई, बहुत बारकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।